दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का ग्रामर पोर्शन, जो कि है लकार। ठीक है, लकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे अनुवाद चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अनुवाद में आपको हम सबसे पहले बता दिए थे कर्ता क्या होता है। अगर कर्ता आपने नहीं याद किया हुआ है तो इसको उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, उसके नीचे जाइए, वहाँ पे लिंक दिया होगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। उस नहीं तो आप सेंटेंस जब बनाइएगा तब आपको पता नहीं चलेगा कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो चालू करने वाले हैं वो लकार, आप 0% से साथ, मतलब 0 से चालू करने वाले हैं और आपको हीरो बनाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो लकार पर्सन चालू करते हैं। सबसे पहले लकार होता क्या है सबसे पहले बता दें। देखिए, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसको अनुवाद करने के लिए टेंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं तभी तो इंग्लिश में अनुवाद आपको आता है। मतलब ट्रांसलेशन करने के लिए इंग्लिश में कैसे टेंस पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार इसमें आपको हम टेंस को संस्कृत में लकार कहते हैं, लकार को पढ़ लेते हैं तो आपको अनुवाद करना आ जाएगा। देखिए जी, जिसे होता है, जैसे संस्कृत में होता है लकार, इसको हिंदी में बोलते हैं काल, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेंस। ठीक है, संस्कृत में लकार, इंग्लिश हिंदी में काल, और संस्कृत में इंग्लिश में टेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए लकार क्या होता है। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए, होना चाहिए नू। तो यहाँ पे देखिए लकार क्या होता है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। ठीक है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्रिया, कोई भी क्रिया, क्रिया क्या होता है सबसे पहले आपको जानते हैं, आपको बता रहे हैं दोस्त, आपको जीरो से ले चल रहे हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सब जीरो से समझाएंगे आपको। क्रिया क्या होता है सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं, क्रिया हो रहा है, समय तो आपको पता होगा, जो टाइम चल रहा है उसे समय बोलते हैं। इसमें एक नया शब्द आ रहा है जिसे बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया क्या होता है, जिसे आप कहते हैं पढ़ना, लिखना, जाना, ये सब जितना है नू इसको क्रिया बोलते हैं। तो बोलिएगा जे भैया पहचान कैसे करेंगे क्रिया का, हम क्रिया का पहचान कैसे करेंगे जे भाई क्रिया है। तो क्रिया का देखिए पहचान साफ सिंपल है, क्रिया के जो शब्द होता है उसके लास्ट में क्या जुड़ा रहता है, ना। क्या जुड़ा रहता है, ना। अगर ना जुड़ा रहता है तो उसे हम समझ लेते हैं वो क्रिया है, जिसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, पीना, ओढ़ना, क्या है, ये सब पूरे क्रिया है। तो इसको आप समझ में आ चुका होगा क्रिया किसे करते हैं, जो क्रिया को करने में, जिसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो समय लगा उसे ही काल कहते हैं। वो बाद में पढ़े हो, अभी पढ़ रहे हो, या बाद में पढ़ने वाले हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जो क्रिया को जो समय लगा हमें उसे काल कहते हैं। काल को देखिए संस्कृत में हम इसको, जैसे यहाँ पे स्टार देखो आपको लिखवा देते हैं, लकार को, लकार के 10 भेद होते हैं। ठीक है, लकार के 10 भेद होते हैं, उनमें से। अब देखिए संस्कृत में लकार के कितने भेद होते हैं, आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है जो संस्कृत में लकार के कितने भेद होते हैं तो सबसे पहले बताइएगा 10। कितने भेद होते हैं, 10। लेकिन हमें जो है आपको आगे चल के भी, हमें संस्कृत में अगर 5 लकार को पढ़ लेते हैं तो आपको अनुवाद करने में नहीं दिक्कत होगा। 5 लकार इंपॉर्टेंट होता है सबसे, ठीक है। तो आपको आगे चल के भी अगर आप बहुत हाईएस्ट क्लास में भी जाते हैं तभी आपको 5 ही लकार पढ़ना है। तो इसलिए हम संस्कृत में कितने लकार पढ़ेंगे, 5 लकार। तो इसमें से 5 प्रमुख हैं। समझ में आएगा दोस्त, लकार के 10 भेद होते हैं, इनमें से 5 प्रमुख है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर लकार की जब हम बात करते हैं इसमें से 5 ही लकार पढ़ना है, तो इसमें फर्स्ट लकार क्या होता है देख लीजिए,
इसमें होता है लौट लकार। क्या होता है? लौट लकार। लौट लकार को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दो नंबर यहां पे होता है लॉन्ग लकार, जिसे बोलते हैं भूतकाल, ठीक है। उसके बाद तीन नंबर होता है लॉन्ग लकार लीट लकार। लीट लकार को बोलते हैं भविष्यत, भविष्यत काल। क्या बोले? भविष्यत काल। उसके बाद चार नंबर जो दिया हुआ है, चार नंबर में होता है लोट लकार, जिसे बोलते हैं हिंदी में अज्ञा अर्थ। उसके बाद होता है पांच नंबर विधिलिंग, विधिलिंग लकार, इसे डिनोट करते हैं चाहिए के लिए। क्या? चाहिए के लिए, ठीक है। इससे बोलते हैं चाहिए अर्थ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नंबर लकार को हम 10 भागों में बटे हुए हैं, उसमें से पांच लकार प्रमुख होता है, जिसमें से फर्स्ट नंबर होता है लट लकार, जिसे वर्तमान काल बोलते हैं, लॉन्ग लकार जिसे भूतकाल बोलते हैं, लेट लकार जिसे भविष्यत काल, लोट लकार जिसे अज्ञा अर्थ, लोट लकार, ठीक है, अज्ञा अर्थ, और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ। फिर से रिपीट करते हैं दोस्त, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो फिर से रिपीट करते हैं, अगर रिपीट करने के बाद भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। लौट लकार, क्या? लौट लकार, इसे बोलते हैं वर्तमान काल। सेकेंड नंबर देखिए, लॉन्ग लकार होता है तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है बच्चों सबको, तो इसको आप इंग्लिश में रख सकते हैं LONG, LONG, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं लॉन्ग, लॉन्ग लकार, ठीक है। उसके बाद लीट लकार, लीट लकार भविष्यत काल, लीट लिरी अदर ट, लिट लकार, लोट लोट लकार, विधि लिंग चाहिए। आपको हो गया क्लियर है? और आपको हम, ठीक है, आपको कोई पढ़ने में दिक्कत होगा, लकार समझने में कोई दिक्कत होगा, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। लकार के 10 भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट है, 10 भेद होते हैं, जिसमें से 5 प्रमुख पढ़ना है, आपको नहीं बताना है 5 पढ़ना है, हमें बताना है ये 10 भेद होते हैं। ये सब फर्स्ट नंबर था लट लकार, लॉन्ग लकार, लीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, ठीक है। तो दोस्तों आपने जान चुका होगा जो लकार कितने प्रकार के होते हैं, हो गया आपको पता 5 प्रकार के, 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 5 पढ़ना है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे जो लट लकार वर्तमान काल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसके अनुसार उसमें अनुवाद कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें हो गया क्रिया में, जैसे क्रिया करने में जो समय लगता है वह पढ़ता है, तो स पढ़ती, क्या हुआ? स पढ़ती, वह पढ़ता है, वह जाता है, स गच्छति, ठीक है। तो सिंपल सिंपल आपको ये सेंटेंस है, आपको बड़े बड़े सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। आप सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लट लकार का सूत्र क्या होता है, इसका पहचान कैसे करेंगे, लट लकार के मतलब लट लकार में जो भी सेंटेंस दिया हुआ है लट लकार का है, उसका पहचान, उसका सूत्र, लट लकार किसे कहते हैं, लट लकार के जो अनुवाद होते हैं उसको कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्त। तो उसके बाद हम आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो कि हर लकार का आपको मिलेगा। आप एक भी वीडियो मिस कर देते हैं तो दोस्त आप बहुत पछताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी अंजात के साथ। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहती है इस चैनल पर। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंजात के साथ। जय हिंद, जय भारत।